डियर व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पहले देखेंगे पिछला अभ्यास प्रश्न। सवाल था, सत्रिया नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शंस थे ओडिशा, केरल, असम और कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, असम। चलिए आज का पहला सवाल। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, पंडिता रमाबाई या फिर ज्योतिबा फुले। उत्तर होगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मणिपुर, सिक्किम या फिर असम। सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम, एम जी रानाडे, डब्ल्यूसी बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डब्ल्यूसी बनर्जी। नेक्स्ट सवाल, लोकप्रिय लोक नृत्य पोवाड़ा किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या फिर केरल। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। डैश ग्रामीण ऋण की सर्वोच्च संस्था है सेबी, एनएआईएस, एसीपीसी या फिर नाबार्ड। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? 20, 21, 22 या फिर 23? तो जवाब है ऑप्शन सी, 22। अगला सवाल, चीन की राजधानी क्या है? कीव, बीजिंग, मॉस्को या फिर नोमपेन। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, बीजिंग। अगला प्रश्न, कोक चारकोल डैश से प्राप्त किया जाता है? कोयला, लोहा, लकड़ी या फिर पेट्रोलियम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तय करने की एकमात्र और अंतिम शक्ति डैश के पास होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला और लास्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, रोम में या फिर पेरिस में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जिनेवा। चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट करते हैं। सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस उपन्यास से लिया गया है? ए मृणालिनी, बी आनंदमठ, सी कपाल कुंडला या फिर डी दुर्गेश नंदिनी।
तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।